सांसद और मंत्री सुरेश पचौरी जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी तरुण भनोट जी, लखन गंगोरिया जी, हमारे विधायक विनय सक्सेना जी, संजय यादव जी, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के यहाँ प्रभारी अनिल भरद्वाज जी, हमारे अध्यक्ष दिनेश यादव जी चौबे जी, और अभी जो हमारे भाई ने कांग्रेस में प्रवेश किया है धीरज पटेरिया जी, और हमारे उम्मीदवार जिनको राहुल गांधी जी ने खुद चुना है कि जबलपुर का ऐतिहासिक उपेक्षित इतिहास बदलने के लिए, विवेक तनखा जी, सभी यहां आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ। मैंने सेहोरा की बहुत मिट्टी खाई है अपनी जवानी में, तो आज यहां आकर आप सबके बीच में मुझे बहुत खुशी है। कोई लंबी बात आपसे नहीं करनी, मैं तो आपसे यही कहने आया हूं कि तस्वीर आप सबके सामने है, तस्वीर पिछले 15 साल की और मोदी जी के पिछले 5 साल की तस्वीर आप सबके सामने है। अगर हम चाहते हैं कि जबलपुर का उपेक्षित इतिहास बदलना चाहते हैं, तो ये तस्वीर देख लीजिएगा। ये उपेक्षित इतिहास जबलपुर का 30 साल का, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और 5 साल मोदी जी का शासन रहा। 110 दिन हुए हैं जब से कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी। कैसा प्रदेश हमें सौंपा, कैसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमें सौंपा, ऐसा प्रदेश जो अपने देश में किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, बलात्कार में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन। हमने वचन दिया था आपको, हमारे पास तो 110 दिन थे, काम करने के तो केवल 75 दिन थे क्योंकि आचार संहिता लग गई। हमने इन 75 दिनों में आपको अपनी नियत का परिचय दिया, अपने नीतियों का परिचय दिया। हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2 घंटे में निर्देश दिए। कितना कठिन है, कैसी कार्रवाई करी जाए, कैसे बैंक से तालमेल बनाया जाए, कैसे जब तिजोरी खाली है कैसे कर्जा माफ किया जाए। हमने शुरुआत करी और मुझे खुशी है आज आपको कहते हुए हम आगे बढ़े। 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है और लगभग 35 लाख किसानों का कर्जा और माफ होना है। हमने वचन दिया था, हम वचनबद्ध हैं कि हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। केवल डिफॉल्टर का नहीं, जिनका चालू खाता है उनका भी कर्जा माफ करेंगे। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होता है मैं वचन देता हूं, राहुल जी का आदेश है, कमलनाथ का वचन है कि हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। और हमने कहा था कि हम बिजली का बिल अदा करेंगे, बिजली का बिल अदा किया बिजली का बिल। हमने कहा था 100 यूनिट 100 रुपए, किया। हमने कहा था हम पेंशन बढ़ाएंगे, 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन बढ़ाई। हमने कहा था हम शादियों के 51,000 रुपए देंगे, दिए। ये आप सबके सामने है, ये हमारी नियत है, ये हमारी नीति है 75 दिन। और भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी और मोदी जी चिल्लाते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। मोदी जी, शिवराज सिंह जी, आपने तो 15 साल और 5 साल झूठ बोला है, 15-20 दिन और झूठ बोल लीजिएगा। मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश के किसानों का सर्टिफिकेट चाहिए कि जिनका कर्जा माफ हुआ है, जो जिनका कर्जा माफ होने जा रहा है। ये तस्वीर आप सबके सामने,
सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों की है। विवेक तनखा जी जिक्र कर रहे थे कैसे हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज चौपट हुई। आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज के नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ, टेलीविजन से जुड़ा हुआ नौजवान है। आज का नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और पिछले पंद्रह सालों में क्या हुआ, जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। और मोदी जी क्या क्या बात करते थे, यहां सिहोरा के लोग तो बड़े समझदार हैं। नौजवानों याद है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये नारे याद है आपको 5 साल पहले के? यहां कोई है डिजिटल इंडिया स्टैंड अप इंडिया वाला? किस प्रकार मोदी जी ने हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये सब आपके सामने है। और मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूं, क्या क्या नहीं कहते थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। याद है किसके अच्छे दिन आए? मैं तो पूछता हूं किसके अच्छे दिन आए, मैं बताता हूं किसके अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिनके पास एक 2-व्हीलर नहीं थी, आज 4-4 4-व्हीलर लेके घूमते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए। मोदी जी की 15 लाख की बात तो छोड़िए, गंगा साफ करेंगे। याद है कैसे कहते थे, गंगा साफ करेंगे? शिवराज जी तो कहते थे नर्मदा साफ करेंगे, दूसरा कहता था गंगा साफ करेंगे। शिवराज सिंह ने 600 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण की योजना बनाई। मैं गया देखने कि 600 करोड़, आप सोचिए 600 करोड़ में कितना वृक्षारोपण हो जाएगा, कितना बड़ा घोटाला। और मोदी जी जो कहते थे गंगा साफ करेंगे, गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंकों को साफ कर डाला। जिसकी नीयत साफ नहीं है वो क्या गंगा साफ करेंगे? तो मैं ये तस्वीर आप सबके सामने है, आपसे तो मेरा बहुत पुराना संबंध है, मैं तो महाकौशल का हूं, आपका हूं। और मुझे दुख होता है, मैंने तो हमेशा कहा था कि मुझे मौका दीजिए, विवेक तनखा दी तो आपकी सेवा करेंगे, पर मुझे भी मौका दीजिए कि मैं जबलपुर को गोद ले सकूं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, फसल सामने कटेगी। और अगर आप चाहते हैं कि यहां का इतिहास बदला जाए, विवेक तनखा जी ने मांगे रखी हैं आपके सामने। ये कौन सी मांगे, इसमें कोई बड़ी मांग है? जिला बना दो कोई बड़ी मांग है? अस्पताल चला दो ये कोई बड़ी मांग है? ये सब तो छोटी मोटी मांग है। आज याद रखिएगा कि भोपाल में कांग्रेस की सरकार है, पर साथ साथ भोपाल में जबलपुर की भी सरकार है। और ये जबलपुर का इतिहास हम बदलेंगे। आज मोदी जी विकास की बात नहीं करते, आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, ना तो अच्छे दिन का, ना तो 15 लाख रुपए का। माताओं और बहनों को भी कष्ट हुआ, नोटबंदी कर दी, कष्ट हुआ माता और बहनों, कष्ट हुआ जो माताओं और बहनों ने 10-15 हजार रुपए छिपा के रखे थे ना 10-15 हजार रुपए छिपा के, ये भी इन्हें निकालने पड़े। इनकी पोल खुल गई, पति नाराज हुए, सास नाराज हुई। तो कौन सी कलाकारी मोदी जी ने नहीं करी? आज बात करेंगे, किस चीज की बात करते हैं मोदी जी? देश मेरे नीचे सुरक्षित है। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, मोदी जी जब आपने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था, तब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश की फौज बनाई थी, हमारी एयरफोर्स बनाई थी, हमारी नेवी बनाई थी, हमारी मिलिट्री एकेडमी बनाई थी।
और मोदी जी आज कैसे गुमराह करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये पाठ क्या हमें पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का? मैं तो शिवराज सिंह और मोदी जी से कहता हूं, एक नाम बता दो, एक नाम बता दो जो आपके पार्टी में स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो, एक नाम नहीं है इनके पास। और ये राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ाएंगे, कलाकारी की, ये गुमराह की, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति से आप सावधान रहिएगा। बहुत हो गई है, बहुत हो गई है कलाकारी। नौजवानों, आपका भविष्य है। किसान भाइयों, हमने अपना वचन पूरा किया है, हम एक नई क्रांति लाएंगे। नौजवानों, हम आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। याद रखिएगा कि पांच साल हमने देखा क्या, क्या हमारे नौजवानों की आवाज मोदी जी ने सुनी, क्या हमारे किसानों की पीड़ा, किसानों का दुख क्या मोदी जी ने देखा? इनकी आंख नहीं चलती, इनके कान नहीं चलते, इनका मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है झूठ बोलने में। तो 29 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, ये तंबू नहीं होंगे, ये झंडे नहीं होंगे, 29 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, याद रखिएगा, आप जबलपुर के भविष्य का बटन दबाएंगे, आप अपने नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, एक नए इतिहास का शुरुआत होगा। और जबलपुर का झंडा, कांग्रेस का झंडा फिर से अपने देश की संसद में लहराएगा।